जय जोहार, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तिलक है और मेरे इस यूट्यूब चैनल तिलक मेक व्लॉग्स में आप सभी का एक नए वीडियो के साथ फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं सबको लेके जा रहा हूँ डोंगरगढ़ माँ बम्लेश्वरी माता रानी का दर्शन करने के लिए। तो वीडियो में बने रहना और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। तो जय माता दी दोस्तों, मैं पहुँच गया हूँ डोंगरगढ़ और मैं आप लोग को यहाँ लेके जा रहा हूँ डोंगरगढ़ का जो उड़न खटोला बोलते हैं, है ना, जो मतलब यहाँ से लेके जाता है रोप वे बोलते हैं, वो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ और वहाँ पे क्या रहता है, क्या टिकट का चार्ज है और कैसे वहाँ उसको बुकिंग करते हैं, वो सारी बातें मैं आप लोग को इधर जाते हुए बताऊँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आसपास में पूरा दुकानें हैं, यहाँ आप लोग अपना सामान रख सकते हो और यहाँ से प्रसाद खरीद सकते हो। दोस्तों, मैं अपना हेलमेट और जूता चप्पल है वहीं पे रख दिया हूँ, जहाँ दुकान पे सामान लिया हूँ वहीं पे। वहाँ दोस्तों चार्जेस नहीं लिया है, बाकी प्रसाद लेने के लिए बोल रहे थे तो थोड़ा सा मतलब 30-40 रुपए का प्रसाद लिया हूँ और उसको रख दिया हूँ। तो ये दोस्तों एक सेफ्टी है, क्योंकि दुकान तो कहीं जाने वाला नहीं है और आप लोग अगर यहाँ पर आते हो तो जो भी सामान रहता है वो ऐसे ही छोड़ के मत जाना, कहीं पे रख देना, यहाँ पे दुकान में रख देना, ताकि आपका जो सामान रहे वो सेफ्टी रहे। तो दोस्तों, सामने जो दिख रही है, देख लो, उड़न खटोरा जिसको बोलते हैं, यहाँ से आप लोग को हवाई यात्रा टाइप का लेके जाएंगे, देख रहे हो, वो दिख रहा है। वहाँ से सीधा सीधा आप लोग को सीढ़ी चढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, यहीं से हम लोग जाएंगे। तो मैं आप लोग को थोड़ा सा उधर आगे दिखा देता हूँ। दोस्तों, यहीं से हम लोग को जाना है, पहले आप लोग को मैं उधर थोड़ा सा और आगे दिखा देता हूँ कैसे कहाँ से जाते हैं। वैसे दोस्तों, यहाँ का जो टिकट का चार्ज है वो 100 रुपये का है ना। आप लोग यहाँ ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हो। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको गूगल पे जाके माँ बम्लेश्वरी ट्रस्ट ऐसा सर्च करना होगा, वहाँ पे आप लोग को दिखा देगा, नंबर भी दिखा देगा और वहाँ आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो और बुकिंग कर सकते हो। दोस्तों, ये सामने जो दिख रहा है वहीं से आप लोग को उलन खटोला है, रोपवे जिसको बोलते हैं, है ना। तो देख लीजिए, फिर मैं आप लोग को आगे अंदर जाके दिखाऊंगा कि कितना भीड़ रहता है टिकट के लिए। तो ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों, आप लोग घर से ही ऑनलाइन बुकिंग कर देना। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं टिकट घर पे। तो दोस्तों, देख रहे हो कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। ये 100 रुपये चार्ज ले रहा है यहाँ से आप लोग को सीधा सीधा दर्शन कराने के लिए, सीधा लेके जाएगा, सीढ़ी चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को। तो दोस्तों, मैं उधर से छोड़ के आ गया हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है और शायद हो सकता है बहुत टाइम लग जाए और मुझे जाना है, जल्दी जाना है। तो आप लोग को मुझे भी सब्र नहीं है और आप लोग को भी दिखाना है, दर्शन कराना है। तो दोस्तों, ये कुछ फैमिली है अपने जो डोंगरगढ़ आए हुए हैं और मस्त आराम से बैठ के घर से जो लेके आए होंगे पूरी सब्जी उसको खा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोग को इसकी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों, माँ डोंगरगढ़ की जो माँ बम्लेश्वरी है, शक्ति रूपा बम्लेश्वरी देवी, बहुत ही सुंदर और स्मारक मंदिर जो कि छत्तीसगढ़ के लोगों का आस्था का केंद्र है दोस्तों, है ना। और तो दोस्तों, वर्ष में यहाँ पर 2 बार मेला का आयोजन किया जाता है, मतलब मान के चलो कि दोनों नवरात्रि में यहाँ पे मेला का आयोजन किया जाता है। और दोस्तों, भंडारा तो रहता ही है, आप लोग को तो पता है, शायद नहीं पता होगा तो मैं आप लोग को बता दूं कि नवरात्रि में पूरा 10ों के दिन, मतलब 9 दिन तो रहता ही है, एक दिन और एक्स्ट्रा जहाँ पे जो होता है लास्ट दिन, उस दिन भी यहाँ पे भंडारा रखा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग को जैसे आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, तो खाने पीने की समस्या यहाँ पे नहीं होगी। और ये सामने देख रहे, स्क्रीन यहीं पे दिख रहा है दोस्तों, सामने सीढ़ी है वहीं से हम लोग को जाएंगे। तो ये आपको लाइव दिख रहा है, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, पिछले साल 8 लाख के आसपास भीड़ था, तो 8 लाख भी बहुत होता है दोस्तों। और दोस्तों, ये राजनांदगांव जिले में पड़ती है ना, और राजनांदगांव से ये 31 किलोमीटर की दूरी पे है। और दोस्तों, जैसे आप लोग बाहर से आ रहे हो, है ना, मतलब जैसे अदर स्टेट के हो, तो मैं आप लोग को बता दूँ दोस्तों कि आप लोग यहाँ पे सबसे सुविधा ये है दोस्तों कि आपको रायपुर में हवाई अड्डा पड़ेगा, वहाँ से आप लोग, मतलब वहाँ से आप लोग को 100 किलोमीटर की दूरी पे ये माता रानी का जो मंदिर है वो यहाँ पे इस हिस्सा के मतलब स्थापित है,
है ना। तो आप लोग जैसे बाहर से हो तो सबसे पहले आप लोग रायपुर आना, रायपुर से आप लोग बस से, ट्रेन से, मतलब या फिर कोई प्राइवेट गाड़ी बुक करके यहाँ पे लोग यहाँ पे आ सकते हो दर्शन के लिए। तो दोस्तों आने के तो मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि रायपुर से 100 किलोमीटर दूर पर दूरी पर है और राजनांदगांव से 31 किलोमीटर की दूरी पर है और नागपुर से 190 किलोमीटर की दूरी पर है। ये तो हो गया दोस्तों। और आप लोग को मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि माँ बम्लेश्वरी जो है वो 1600 फीट की ऊंचाई पर, मतलब 1600 फीट ऊपर ऊंचाई चोटी पर पहाड़ों के बीच पे विराजमान है ना। आप लोग को जैसे यहाँ पे आते हो तो कम से कम दोस्तों 1100 सीढ़ी आप लोग को चढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप लोग को माता रानी का दर्शन मिलेगा। जैसे हम लोग चढ़ रहे हैं, आप लोग को दिखा रहे हैं, बहुत सारे भक्त यहाँ पे चढ़ रहे हैं दोस्तों। नवरात्रि में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है और ये अलग, मतलब मान के चलो कि अलग जैसे नवरात्रि भी नहीं रहता है तब भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहता ही है। ये दोस्तों छत्तीसगढ़ का बहुत ही पॉपुलर और दयालु माता, ऐसा बोलते हैं कि दर्शन मात्र से मन्नत पूरी होती है यहाँ की। तो मैं ये बोल रहा था दोस्तों, यहाँ पे मतलब 2000 साल पुराना ये मंदिर है जो माँ बम्लेश्वरी का मंदिर है। और दोस्तों सीढ़ी जो है 1100 सीढ़ी है और जिसको आप लोग मतलब आधा घंटा तो लगेगा ही ऊपर चढ़ने में। जैसे हम लोग जा रहे हैं तो बीच बीच में आप लोग को खाने पीने का सामान मिल जाएगा। और दोस्तों पानी आप लोग ज़रूर लेके आना, पानी का बोतल ज़रूर लेके आना और बीच बीच में आप लोग को मिल जाएगा खाने पीने का सामान, तो अच्छी बात है। और यहाँ पे मेला में बहुत सारा देखने को मिलता है, दुकानें सस्ती है, मेला लगती है और झूला वगैरह भी यहाँ पे आया रहता है। और दोस्तों ये मैं आप लोग को बता दूँ सबसे पहले कि यहाँ पे दर्शन करने के लिए आपको मतलब आधा घंटा ही मिलेगा। अगर नवरात्रि में आते हो तो आधा घंटा, ज़्यादा 15 मिनट भी आधा घंटा मिलेगा। तो अगर आप लोग आउट सीजन में आते हो तो आप लोग एकदम मस्त आराम से यहाँ पे दर्शन कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग हमेशा अगर अच्छे से दर्शन करना है, माता रानी को दर्शन करना है, तो आप लोग आउट सीजन में आओ, नवरात्रि पे मतलब आ सकते हो, भीड़ भाड़ रहता है। अगर भीड़ भाड़ आपको क्राउड पसंद है, माहौल पसंद है, तो आप लोग नवरात्रि के टाइम में आ सकते हो। और अगर आप लोग को माता रानी का दर्शन ही करना है तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि आउट सीजन में आओ, मतलब नवरात्रि के टाइम में मत आओ क्योंकि नवरात्रि में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। तो दोस्तों ये मैं आप लोग को एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पे आप लोग को जैसे चढ़ रहे हो है ना, तो यहाँ पे देखो ये प्रसाद भंडार, ये आप लोग को थोड़ा थोड़ा दूर में आप लोग को थोड़ा मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर चढ़ोगे, कुछ सीढ़ी चढ़ोगे तो आप लोग को छोटा छोटा जैसे ये है पानी का मिलेगा, ये सुविधा आप लोग को मिलता ही रहेगा। तो दोस्तों हम लोग आधा सफ़र तय कर चुके हैं और चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। तो बहुत लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, कोई जांजगीर चांपा से आता है। मैं नीचे में बात कर रहा था बहुत लोगों से, कई लोग जांजगीर चांपा से आए हैं, कई लोग चंद्रपुर से आए हैं, मतलब एक मान के चलो कि बहुत दूर दूर से आते हैं, अदर स्टेट से भी आते हैं। तो सामने एक सेकंड लास्ट जो है वो मिलेगा आप लोग को, देखो बच्चे लोग भी आते हैं और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है दोस्तों। ये टीना का शेड आ गया, मतलब कुछ ही दूर में आप लोग को दर्शन होने वाली है। तो वीडियो में बने रहना और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ। बहुत सारे वीडियो हैं मेरे, लेकिन ये मेरा सेकंड वीडियो है यहाँ पे। और देखो यहाँ पे बंदर भी है दोस्तों, यहाँ पे बंदर मतलब जंगली जानवर तो रहते ही हैं, क्योंकि बहुत देखो ये बेचारे लोग खेल रहे हैं। तो इसको आप लोग पूछ मत कीजिएगा, यहाँ पे चना जैसे चना है तो चना दे दीजिएगा। और यहाँ से दोस्तों आप लोग करेला भवानी माता मंदिर भी जा सकते हो, यहाँ से 26 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। और ये श्री राम कंदमूल, दोस्तों जो राम भगवान थे वो जब वनवास गए थे है ना, तो 14 वर्ष का उनका वनवास था, तो उस टाइम यही
कांदा कंदमूल जो बोलते हैं उसको खाते थे, मतलब खाते थे और उसी से काम चलाते थे। जो अब क्या है, जंगल में रहते थे तो उसी का मान के चलो फल फूल खा के रहते थे। तो बच्चे लोग देखो कैसे कर रहे हैं, मस्त फुल फुल एक्साइटमेंट है। और ये दोस्तों सेकंड लास्ट है, इसके बाद सिर्फ आप लोग को देखने को मिलेगा, यहाँ थोड़ा सा सीढ़ी एकदम सकरा हो जाएगा, थोड़ा आगे जाएंगे फिर आप लोग को सीढ़ी एकदम सकरा मिलेगा और भीड़ दोस्तों ज़्यादा हो जाएगा। ये देखो माँ बम्लेश्वरी पैलेस जो लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे आप लोग पानी वगैरह ले सकते हो और थोड़ा सा बैठ सकते हो, मोबाइल चार्ज भी कर सकते हो, यहाँ पे चार्जिंग का पॉइंट भी आप लोग को मिलेगा। और अगर आप लोग थक गए हो तो यहाँ पे आराम भी कर सकते हो, अपना सामान रख के यहाँ पे आराम भी कर सकते हो। माँ बम्लेश्वरी यहाँ पे लिखा है दोस्तों, ये मंदिर नहीं है अभी, मंदिर थोड़ा सा और दूर है, थोड़ा सा और सब्र करो क्योंकि मैं अभी पैदल आ रहा हूँ। और क्या है, सुबह जल्दी अगर आ रहता तो रोपवे मतलब उलन खटोला में चढ़ लेता। और देखो वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, भजन हो रहा है यहाँ पे माँ बम्लेश्वरी दाई का, सेवा जिसको बोलते हैं, सेवा गीत जिसे बोलते हैं। तो सो नीचे में जैसे नवरात्रि का टाइम रहता है तो नीचे में पूरा दुकानें सजी रहती है। मैं आप लोग को नीचे जब जाऊंगा तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा कितना मस्त प्यारा प्यारा यहाँ पे सामान मिलता है, जैसे घर का सामान हो गया, जो भी है सामान यहाँ पे मिलता है, खाने पीने का सामान मिलता है। और नीचे दोस्तों नहाने का सुविधा भी है, कुछ पैसे लेते होंगे, जहाँ तक 100-150 रुपये लेते होंगे, नहाने का सुविधा भी है। और सब मतलब मान के चलो कि आप लोग यहाँ पे आते हो तो सुविधा की कमी नहीं मिलेगी आपको, है नहीं, मतलब सुविधा आप लोग को पूरा भरपूर मिलेगा। तो दोस्तों ये सीढ़ी थोड़ा सा ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा है सीढ़ी, 1100 लगभग है। तो बहुत लोग देखो, बच्चे लोग भी आए हैं यार, इन लोग भी दर्शन करने के लिए आए हैं और कुछ ही दूर में हैं हम लोग, बस जाने ही वाले हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहना, कहीं मत जाना, स्किप भी मत करना, मैं आप लोग को दर्शन करा के ही जाऊंगा आज। बहुत मतलब मैं दुर्ग का रहने वाला हूं, दुर्ग भिलाई से आया हूं मैं, सिर्फ आप लोग को वीडियो दिखाने के लिए, और मैं भी दर्शन करूंगा, ऐसा नहीं है मेरा भी यहां पे, मैं तो हर साल आता रहता हूं, बट अब जब से मैं व्लॉगिंग स्टार्ट किया हूँ तब से मैं यहाँ पे हर साल आता हूँ। हालांकि वीडियो बनाता हूँ नहीं बनाता हूँ, बट दर्शन करने के लिए मैं हर साल आता हूँ और हर साल बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। पिछले साल तो 8 लाख की भीड़ थी, 8 लाख बहुत होता है दोस्तों। चलते हैं आप लोग को दिखाते हैं सामने, दोस्तों आप लोग को शिव भगवान का जो मंदिर है वो आएगा। देखो यहाँ से थोड़ा सा जो यहाँ पे सीढ़ी है वो सकरा हो जाएगा, है ना, तो सकरा हो जाने के बाद थोड़ा सा आप लोग को मान के चलो कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है ना, तो एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं। और वहाँ पे देखो कितना भीड़ है, अभी मतलब आउट सीजन है फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, और सोचो नवरात्रि में कितना भीड़ रहता होगा। देखो बहुत दूर से आप लोग को दिख रहा होगा, भीड़ तो रहता है दोस्तों, क्योंकि माता रानी पूरा छत्तीसगढ़ में आस्था का केंद्र है और बहुत ज़्यादा मान्यता लेके सब लोग आते हैं। मैं आप लोग को बता रहा था ना शिव भगवान का जो हर हर महादेव का जो मंदिर है, देखो दर्शन कर लो इसका, इसके बाद हम लोग जाएंगे। तो नांग देवता है, देखो हर हर महादेव, सभी आप सभी का मनोकामना पूर्ण करे शिव भगवान, शंकर भोलेनाथ मेरे, शंकर भोलेनाथ प्रिय भगवान और श्री शिवानुस्तुभ्यम। इसके बाद दोस्तों मैं आप सबको सीधा सीधा लेके जाऊंगा, सीढ़ी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए आप लोग को लग रहा होगा कि एकदम ज़्यादा वो हो रहा है, वीडियो लंबा हो रहा है, तो लंबा तो होना ही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मतलब आधा घंटा का यहाँ से आप लोग को नीचे सीढ़ी से लेकर ऊपर आप लोग को जैसे बम्लेश्वरी माता जहाँ पे विराजमान है वहाँ जाने के लिए आधा घंटा लगेगा ही। और अगर आप थोड़ा सा मतलब थक जाओगे तो मान के चलो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बाकी आधा घंटा मैक्सिमम यहाँ पे लगता है। और दोस्तों ये रास्ता अलग अलग कर रहे हैं, जो लड़की हैं वो अलग है और लड़के लोग अलग हैं यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग मतलब थोड़ा सा दूर है, यहाँ पे जयकारा बोलते हुए जाएंगे।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो में कुछ भी ऐसा लगता है कि तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कुछ सुधार करने की ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देखो कितना ज़्यादा भीड़ है, और ये देखो शिव मंदिर है यहाँ पे, क्या चीज़ और मंदिर है, दादी माँ का मंदिर है। दोस्तों बहुत ज़्यादा भीड़ है, यहाँ से स्टार्ट हो गया आप लोग को भीड़ देखो। दोस्तों ऐसे ही भीड़ रहती है नवरात्रि के टाइम में, यहाँ भी देखो। बस दोस्तों बस पहुँच ही गए हम लोग यहाँ पे, ये ऊपर में ही है हम लोग, तो देख रहे हो कितना ज़्यादा भीड़ है। तो अच्छी बात है दोस्तों, भगवान मतलब माता रानी देख रहे हो, माता रानी के दरबार में कितना ज़्यादा भीड़ है, कितना सारे भक्त उनको चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं। बहुत प्यारा सा मंदिर है, ऊपर से देखोगे बहुत प्यारा लगता है। तो दोस्तों मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, देख लीजिए ये माता रानी का दरबार है, माँ बम्लेश्वरी आप सभी का मनोकामना पूर्ण करें। देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए, छत्तीसगढ़ का बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही सुंदर मंदिर यहाँ पे है, माँ बम्लेश्वरी देवी की जय यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं उसी को पढ़ रहा था। बाकी आप लोग भी जय बुला सकते हो, माँ बम्लेश्वरी माता की जय। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। और ये मैं आप लोग को फाइनली आप लोग को दर्शन करा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का बंदा, छत्तीसगढ़ की मतलब छत्तीसगढ़ राजनांदगांव, और राजनांदगांव के बाद डोंगरगढ़ आके आप लोग को दर्शन करा रहा है। तो एक बार ज़रूर जय माता दी का कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और थोड़ा सा पास हो के मैं आप लोग को दिखाऊंगा, दर्शन कराऊंगा। तो हर कोई यहाँ पे मोबाइल लेके माता जी का दर्शन कराने के लिए अपने किसी घर वालों को और अपने दोस्तों को मतलब ये इंस्टाग्राम में भी शेयर करते हैं लोग, बहुत लोग। देखो थोड़ा सा पास हो के मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों आप लोग यहाँ पे आ गए हो, और थोड़ा सा रुकना दोस्तों, वीडियो को बंद मत करना, क्योंकि मैं आप लोग को बाहर का नज़ारा भी थोड़ा सा दिखाऊंगा, है ना। ऊपर से मतलब ऊपर 1600 फीट से नीचे कैसे दिखता है वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो दर्शन कर लीजिए दोस्तों, जय माता दी, जय माता रानी, आप सभी का मनोकामना पूर्ण करें। जय माता रानी, तो दर्शन कर लीजिए यार, बहुत ही मतलब स्ट्रगल के बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं, 1600 फीट ऊपर। और ये देखो आज अगल बगल का मैं माहौल दिखा रहा हूँ, और ये साइड में है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपना जो माता बम्लेश्वरी का धागा यहाँ पे बांध सकते हो, मन्नत मांग सकते हो। और मैं थोड़ा सा बाहर दिखाता हूँ, देखो कितना मतलब 1600 फीट नीचे से क्या दिखता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगे, है ना। और देखो ऊपर में बंदर जी हैं यहाँ पे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों कि वीडियो कैसी लगी। और ये देखो नज़ारा मैं आप लोग को दिखा रहा था, एक बार फिर से मैं आप लोग को दिखा देता हूँ ऊपर से जो नज़ारा है वो। तो जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।